दोस्तों अपॉर्चुनिटीज के बाद हम देखते हैं कि ईपीसी प्रोजेक्ट्स आपको अवार्ड कैसे होता है। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल लेवल की गवर्नमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो या सिटी की अथॉरिटी हो, जब भी वो कोई रोड प्रोजेक्ट अगर लेकर के आना चाहती है तो वो टेंडर कॉल करती है। टेंडर कॉल करके नोटिफिकेशन जारी करती है और बताती है कि ये प्रोजेक्ट है, ये डिटेल्स है, उसके बेसिस पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर वो काम करना चाहते हैं वो बिडिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि टेंडर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट शुरुआत होता है नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर से। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, इस प्रोजेक्ट की ये स्पेसिफिकेशन है। देन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, सीरियल नंबर 2 में लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दी होती है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं, प्रोजेक्ट में क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, कैसे बिलिंग होने वाली है, आपको क्या क्वालिटी मेंटेन करना है, और आप जब एज अ कॉन्ट्रैक्टर वो प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास क्या मशीनरी होनी चाहिए, क्या रिसोर्सेस होना चाहिए, आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आरएफपी डॉक्यूमेंट में दी होती है। तो जब कोई डिपार्टमेंट एनआईटी इशू करता है तो आप एज अ कॉन्ट्रैक्टर आरएफपी डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं और स्टडी करके अपना बिड करते हैं कि आप उस काम को कितने कॉस्ट में करके दे सकते हैं। आरएफपी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको मिलता है ईपीसी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट, जो मैंने बताया जो एग्रीमेंट है जिसके बेसिस पे आपको काम करना है, देन उसके शेड्यूल्स, देन उसके साथ टेंडर ड्राइंग्स, देन उसके साथ डीपीआर, और यदि प्रोजेक्ट में किसी तरीके का ड्यूरिंग द टेंडरिंग प्रोसेस किसी तरीके के चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस कोरिगेंडम्स, एडेंडम्स एंड अमेंडमेंट्स के माध्यम से डिपार्टमेंट इशू करती है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तब जाकर के आप अपना असेसमेंट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को आप किस रेट में करना चाहते हैं।